एक सीकर ने पूछा है, मुझे एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ रहना पड़ रहा है जो हर बात में मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाता रहता है। इससे मेरे अंदर एक द्वंद या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कि मैं वो करूं जो उसके द्वारा नैतिक बताया जा रहा है, या वो करूं जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। देखिए, जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है, इसको तो पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके तरीके जो होते हैं बहुत ही सटल या सूक्ष्म होते हैं। सामान्य नार्सिसिस्ट के अंदर कोई इस तरीके की अपनी सोशल स्टैंडिंग को लेकर के कोई डर नहीं होता उसको, है वो खुलेआम अपनी बात कह सकता है, खुलेआम लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट के अंदर एक सोशल अवेयरनेस होती है, क्योंकि इसके अंदर ये डर होता है, ये वल्नरेबिलिटी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो सोशल स्टैंडिंग है उसको कोई चैलेंज कर दे। तो ये अपनी सोशल स्टैंडिंग को ध्यान में रख करके चाल चलता है। इसके अंदर भी वही सामान्य नार्सिसिस्ट की ही तरीके से अपनी प्रधानता या श्रेष्ठता या ग्रैंडियोसिटी को लेकर के इसके दिमाग में भी एक सेल्फ इमेज होती है, एक नैरेटिव होता है, एक माइंड मैप होता है, जिसके हिसाब से ये दूसरों को टारगेट करता रहता है, दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहता है, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी को इस प्रकार बदलने की कोशिश करता है ताकि अपने नैरेटिव में उनको सेट कर सके, अपने मैप के हिसाब से उनको एडजस्ट कर सके। तो जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, ये इसके लिए उन्हीं तरीकों का सहारा लेता है, उन्हीं मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का सहारा लेता है जो कि एक सामान्य नार्सिसिस्ट लेता है, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट लेता है। बस इसके तरीके थोड़े और ज़्यादा सटल होते हैं, इनको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे ये दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सटल सूक्ष्म तरीके से उनकी वीकनेसेस के ऊपर अटैक कर सकता है, उनकी वीकनेसेस या उनकी उनको उनकी गिल्ट ट्रिपिंग कर सकता है, उनके अंदर उनके कामों में कमियां निकाल सकता है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का सहारा ले सकता है, या उनको मॉरली नीचा दिखा सकता है, और इस तरीके से उनको उनकी लाइफ में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने की कोशिश करता है। तो ये सब कोवर्ट नार्सिसिस्ट के जनरली तरीके हैं। देखिए, अब जहाँ तक मॉरल प्रेशर का सवाल है, तो वो तो किसी भी चीज़ को लेकर के किसी के ऊपर भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं बाइक राइडिंग को लेकर के, जो है बाइक रेसिंग को लेकर के मैं बता दूं कि ये बाइक रेसिंग इमोरल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इसमें पेट्रोल इत्यादि का बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल होता है, टायर्स इसमें बहुत जल्दी वियर आउट हो जाते हैं, जान का बड़ा रिस्क रहता है, धुआं बहुत निकलता है, एनवायरनमेंट को बड़ा इसकी वजह से खतरा होता है, बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, इनकन्वीनियंस होती है। तो ये सब बातें कह करके मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये जो है कोई बड़ा मॉरली सही तरीके का ये चीज़ नहीं है। तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि जिस काम को वो नहीं कर पाता है, उसको इधर उधर का आर्ग्यूमेंट दे करके उसको इमोरल साबित कर देता है। जिन लोगों के साथ को वो पसंद नहीं करता, उनको इमोरल दिखा देगा, या उनको खराब लाइट में इंटरप्रेट कर देगा, जिससे दूसरे के ऊपर दबाव पैदा हो जाता है। अगर वो काम कर रहा है, या दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, या उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जिसे कोवर्ट नार्सिसिस्ट नीचे दिखाना चाहता है। तो इस तरीके से तो आप किसी भी तरीके किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं नेगेटिव लाइट में, किसी भी चीज़ को इमोरल बता सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो है इस तरीके की सिचुएशंस को बहुत फेस किया है, और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में दूसरे के जैसा बनने की कोशिश नहीं की, दूसरे के बताई मोरालिटी के अनुसार आर्टिफिशियली बिहेव करने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने जीवन को जैसा भी है वैसा स्वीकार किया, मैंने अपनी इमैच्योरिटी को जीने का प्रयास किया, जो भी मेरी इमैच्योरिटी है उसको मैंने जीने का प्रयास किया, जो भी मेरा, मैंने कभी भी दूसरे की मोरालिटी की नकल नहीं की, दूसरे के जैसा मोरलिस्टिकली बनने की कोशिश नहीं की। मुझे भी बहुत सारे इस तरीके के कोवर्ट नार्सिसिस्ट मिले जिन्होंने मेरे ऊपर मोरलिस्टिक प्रेशर पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको अपनी लाइफ में कभी भी स्पेस नहीं दिया, उनकी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं वैसा ही करता रहा जैसा कि मैं जीता रहा हूँ। और देखिए, जीवन को, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि जीवन एक लैब की तरीके से है, और अगर मेरे अंदर कोई इमेच्योरिटी है या मेरी मोरालिटी के अंदर कोई डिफेक्ट है, तो जब मैं उसको जीता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं पूरी शिद्दत के साथ उसको जीता हूँ, पूरी सिंसियरिटी के साथ उसको जीता हूँ, तो क्या होगा? होगा ये कि मुझे लिमिटेशन दिखाई दे जाएगी कि मेरे अंदर ये कमी है,
मेरे अंदर इस मॉरल डिफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, ये लिमिटेशन मैं फेस कर रहा हूँ, ये कमी मैं फेस कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये इमेच्योरिटी है, इस इमेच्योरिटी की वजह से मेरे अंदर ये नुकसान हो रहा है, मुझे ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जीवन के लैब में जब आप जैसा हैं वैसा जीते हैं तो आप अपनी कमियों के चलते लिमिटेशंस को देख पाते हैं, अपनी अंदर की शॉर्टकमिंग्स के चलते प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो आप सबक भी सीखते हैं और आपके अंदर उस सबक सीखने की वजह से बदलाव भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये गलती आप दोबारा करेंगे तो उसकी वजह से ये नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, तो आपके अंदर वास्तविक बदलाव आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तविक बदलाव कभी दूसरे की सलाह से या दूसरे के दबाव से नहीं आता है। वास्तविक बदलाव तब आता है जब आप वाकई ये देख लें कि आपकी इस कमी की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैं जो मेरा तरीका है जीवन जीने का वो ये है कि मैं एक इंटीग्रेटेड लाइफ जीना पसंद करता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा मैं जीना पसंद करता हूँ, जैसा हूँ मैं वैसा दिखाना पसंद करता हूँ। इंटीग्रेटेड लाइफ जीने का ये फ़ायदा है कि अगर कोई भी मेरे इंटीग्रेटेड लाइफ जीने की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे कि मेरे अंदर मुझे कोई शॉर्ट कमिंग दिखाई देती है, तो मैं उसको करेक्ट करके फिर से इंटीग्रेटेड हो जाता हूँ। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मुझे ये चुनना पड़े कि मैं नैतिक जीवन जीऊं कोई इंटीग्रेटेड जीवन जीऊं, संपूर्णता में जीवन जीऊं, जैसा हूं मैं वैसा जीवन जीऊं, ऑथेंटिक जीवन जीऊं कि मैं नैतिक जीवन जीऊं, तो मैं ऑथेंटिक जीवन को चुन लूंगा और नैतिक जीवन को नहीं चुनूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंटीग्रेटेड लाइफ वो फूल है जिस फूल की महक धीरे धीरे मोरालिटी के रूप में बाहर आती है। तो जितना आपकी लाइफ इंटीग्रेटेड होती जाएगी, जितना आप संपूर्णता में जीवन को जीते जाएंगे, जितना आप ऑथेंटिसिटी के साथ जीवन जीते जाएंगे, जितना आप जैसे हैं वैसे जीवन को जीते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपका जीवन के अंदर से एक महक आने लगी, वो महक ही मोरालिटी है। तो मोरालिटी इंटीग्रेशन के फूल से हमेशा मोरालिटी की महक आती है, मोरालिटी की सुगंध आती है। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता कि मोरालिटी कि सुगंध से कभी इंटीग्रेशन का फूल नहीं पैदा होता, बल्कि इंटीग्रेटेड होने के फूल से हमेशा मोरालिटी की सुगंध आती है। तो इंटीग्रेटेड होना कॉज है और सुगंध आना जो है वो इफेक्ट है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं इंटीग्रेटेड लाइफ जीऊँ। जहाँ तक कोवर्ट नार्सिसिस्ट का सवाल है, तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो मोरल है कि मोरालिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उससे आपको कोई आपसे उसका कोई लेना देना नहीं। वो आपको जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहता है? ताकि आपकी गिल्ट ट्रिपिंग कर सके, आपको दबाव में ले सके, आपके अंदर अपराध बोध पैदा कर सके और आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण हासिल कर सके, आपको की गाइडिंग लाइट बन सके, आपको रास्ता दिखा करके अपने नैरेटिव में आपको फिट कर सके, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को करोड कर सके, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर प्रश्न उठा सके और इस तरीके से आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण हासिल कर ले, ताकि आप उसके गुट में शामिल हो जाएं, जैसा वो है वैसा ही आप भी हो जाएं, उसके हिसाब से आप चल सकें। तो वो जो आपको मोरालिटी के बारे में बता रहा है, इस मोरालिटी को आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। आप वैसे ही अपने जीवन को जीते रहें जैसे आप जी रहे हैं और आप अवेयरनेस के साथ जिए, आप सिंसियरिटी के साथ जिए, तो आप खुद पाएंगे कि आपके अंदर अगर कोई गलती है तो आप उसकी वजह से जो कमी फेस करेंगे उस कमी को दोबारा ना आप रिपीट करें, जो लिमिटेशन फेस कर रहे हैं उसको आप दोबारा ना रिपीट करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के फूल के अंदर से मोरालिटी की महक भी बढ़ती चली जाएगी।